हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं अपना एलजेब्रा लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको टाइप 6 करवाऊँगा। टाइप 6 हमारी बेस्ट है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। ये रूल क्या होता है? देखो दोस्तों, कि ए का मिड टर्म दे रखी है एक्स पॉन वाई, वो बराबर है ए पॉन के बी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंड रूल लगता है तो इसको हम सी एंड डी रूल बोलते हैं। लेकिन सी एंड डी रूल लगाते हैं तो क्या होता है, ऊपर ये जो टर्म है उसमें नीचे वाले टर्म एक बार हम प्लस करेंगे, और फिर ऊपर वाले टर्म में से एक बार नीचे वाले टर्म माइनस करेंगे। जो हम इसके साथ कर रहे हैं वही इसके साथ होगा। कैसे? ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ चलती है। फिर अगेन हम इस पर लगाते हैं सी एंड डी, तो क्या हो जाता है हमारा? देखिए कि एक्स प्लस वाई ऊपर वाले टर्म प्लस में नीचे वाले टर्म अपॉन में ऊपर वाले टर्म माइनस में नीचे वाले टर्म, बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी। हमने जोड़ दिया ऊपर वाले टर्म में, ये प्लस कर दिया हमने। अब देखिए, अब मैं ऊपर वाले टर्म में माइनस कर रहा हूँ नीचे वाले टर्म। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये टर्म कर दिया। देखिए, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर बी से बी, यहाँ पर ए से ए। अब देखिए क्या आ गया मेरा, टू एक्स 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 टू एक्स अपॉन में टू वाई इक्वल्स टू टू ए अपॉन में टू बी, टू से टू कट गया। यहाँ से हमारा क्या सिंप्लीफाई हुआ है कि एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं प्रूफ भी करूँगा अभी, आप देखिए कैसे प्रूफ करता हूँ कि यहाँ से मैं ये साफ कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट इस पे पहुँचेंगे। अगर देखिए, हमें ऐसी टर्म दिख रही है कि एक्स और ये ऊपर नीचे सेम है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ सेम है और ये प्लस माइनस हो रहा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे एक बार ये टर्म पहले वाली फिर दूसरे वाली। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, बराबर में फिर ये ए अपॉन में साथ में बी। ठीक है, यहाँ से पहले ये फिर इससे ये, ऐसे दोनों सेम होती है। अब देखिए, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। सपोज करिए कि हमें दे रखा है 1/2, वो बराबर होगा 3/6 के। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ है ना, 1/2, 3/6, 3/6 को काटूंगा 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए वो लगाता हूँ मैं इस पर कि 1 प्लस में 2 अपॉन में 1 माइनस 2, सी एंड डी रूल लगाता हूँ। इसमें बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 6 अपॉन में 3 माइनस 6। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 3 अपॉन में माइनस 1, यहाँ पे 3 प्लस में 6 यानी कि 9 अपॉन में माइनस 3। अब माइनस से माइनस कट गया, अब 3 से इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये चीज़ बराबर है। अब ये मत सोचिए कि ये जो टर्म आई है वो इसके बराबर होगी, ठीक है, वो टर्म आपस में बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर बेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस पे, सी एंड डी रूल पे। हमें पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स बराबर दे रखा है ना 2√6 अपॉन में दे रखा है उसने 3+√2। ठीक है, ये उसने गिवन दे रखा है। अब पूछ क्या आ रहा है, फाइंड करना है इसमें एक्स प्लस में √3 अपॉन एक्स माइनस √3 प्लस में एक्स प्लस √2 अपॉन एक्स माइनस √2। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ उसने गिवन है, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, मैंने कहा क्या कहा था कि ये टर्म बराबर है, ठीक है, और ये टर्म बराबर है, प्लस माइनस ये टर्म बराबर है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म बराबर है। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें यहाँ से मैं √3 चाहिए मेरे को, √3 इसके नीचे ले जाऊँगा यहाँ से, यानी कि एक्स बराबर क्या हो गया 2 × में √6 को क्या लिखता हूँ, √3 × √2 अपॉन में √3+√2। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, इसमें से ये √3 है, ये मैं इसके बटे में ले जाऊँगा, यानी कि एक्स अपॉन में देखिए ये √3 इसके नीचे चला जाएगा, √3 इक्वल्स टू 2√2 अपॉन में
रूट थ्री प्लस रूट टू। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर सी एंड डी रूल लगा दूंगा, ठीक है। अब सी एंड डी रूल अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म प्लस में नीचे वाले टर्म, फिर ऊपर वाले टर्म माइनस में नीचे वाले टर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? वो बराबर हो जाएगा किसके, ये ऊपर वाले टर्म टू रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन में टू रूट टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, देखिए ये टू रूट टू है, ये रूट टू प्लस में है, ये जुड़ जाएगा दोनों टर्म, यानी कि थ्री रूट टू प्लस में रूट थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में ये देखिए टू रूट टू है, इसमें से एक घट गया, क्या बच गया, रूट टू माइनस रूट थ्री। यहाँ तक समझ में आया आपको? यानी कि जो एक्स प्लस में रूट थ्री अपॉन में एक्स माइनस रूट थ्री, ये हमारे पास टर्म थी ये वाली जो हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें ये इसकी वैल्यू के बराबर हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन देखिए ये चीज़, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने सेम है, यहाँ तक ये सेम ही चलेगा। अब देखिए यहाँ पर रूट टू है, यहाँ पर रूट टू, दोनों सेम है, फिर अगेन लगाएंगे, इस बार हम क्या करेंगे, जो रूट टू है ना उसको इसके बटे में ले जाएंगे, क्या होगा, एक्स अपॉन में रूट टू इक्वस टू टू रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री प्लस में रूट टू, अगेन सी एंड डी लगाएंगे। आपको क्वेश्चन देख करके पता लग जाएगा कि इसमें सी एंड डी रूल लगेगा या नहीं लगेगा, आपको चार पांच क्वेश्चन करने होंगे, करने के बाद में आपको ये डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसमें सी एंड डी रूल लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में रूट टू अपॉन में एक्स माइनस रूट टू, सी एंड डी लगा दिया हमने, यहाँ पर क्या होगा, टू रूट थ्री प्लस में नीचे वाले टर्म रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। अब इसके बाद में ऊपर वाले टर्म टू रूट थ्री, नीचे वाले माइनस करेंगे हम, माइनस रूट थ्री और माइनस रूट टू, इसके बराबर क्या आएगा वो देखिए, इसमें से ये टर्म जुड़ जाएगी, रूट थ्री जुड़ जाएगी, थ्री रूट थ्री प्लस में रूट टू अपॉन में क्या हो जाएगा, इसमें से ये घट गया, क्या बचा, रूट थ्री माइनस रूट टू, ये चीज़। अब देखिए इस टर्म के बराबर ये टर्म आ गई हमारी, अब इस टर्म के वो इसकी जगह मैं पुट कर दूँ, देखिए ये टर्म मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इसकी जगह, थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन में रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है दोस्तों। अब ये साफ़ कर रहा हूँ मैं, जिसका यूज़ ख़त्म हो गया अब यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों में से, इस डिनोमीटर में और इस डिनोमीटर में क्या फ़र्क है, एक माइनस का साइन का फ़र्क है, आप वो साइन इसमें से निकाल लीजिए चाहे इसमें से निकाल लीजिए, मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, देखिए थ्री रूट टू प्लस में रूट थ्री अपॉन में रूट टू माइनस रूट थ्री। अब ये जो इसके जो माइनस कॉमन निकालूंगा मैं, वो देखिए कैसे, प्लस है थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन में क्या हो गया, माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। ये स्टेप समझ में आ गया आपको, देखिए ये स्टेप, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की टर्म हो जाएगी। अब देखिए ये और ये चीज़ बराबर है, ये निशानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि थ्री रूट टू प्लस में रूट थ्री अपॉन में रूट टू माइनस रूट थ्री, माइनस में थ्री रूट थ्री प्लस में रूट टू अपॉन में रूट टू माइनस रूट थ्री। अब देखिए दोनों बेस सेम है तो क्या होगा, ऊपर वाला टर्म माइनस हो जाएगी, जो माइनस का निशान है ना यहाँ पे जो माइनस का निशान है, इसके कारण ये टर्म और ये टर्म माइनस हो जाएगी, यानी कि एलसीएम लूँगा इन दोनों का, सेम आएगा रूट टू माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री रूट टू प्लस में रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री माइनस रूट टू। अब देखिए इससे आगे क्या आ रहा है, थ्री रूट थ्री है, इसमें रूट टू गया, कितना बचा, टू रूट टू, यही बचा ना, टू रूट टू बच गया, और माइनस के देखिए ये है थ्री है, यहाँ पर वन है, तो यहाँ कितना बच गया, माइनस में टू रूट थ्री अपॉन में क्या बच गया, रूट टू माइनस रूट थ्री। अब देखिए रूट टू यहाँ पर है और रूट थ्री यहाँ पर है, टू इसके साथ है, टू इसके साथ है, दो कॉमन निकल जाए दोनों में से, अब दोनों में से दो कॉमन निकालूंगा, देखिए टू कॉमन आ गया, रूट टू माइनस
रूट थ्री। अब देखिए इसके बटे में क्या है, रूट टू माइनस रूट थ्री, इससे ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, टू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट क्या कहता है आपको, देखिए इसने जो पूछा है रूट थ्री, फिर है रूट टू, ये दो चीज़ पूछी है इसने, रूट थ्री और रूट टू। अब देखिए ऊपर की जो टर्म है उसमें देखिए टू रूट सिक्स, अगर मैं इसको रूट थ्री से डिवाइड करता हूँ, ये रूट थ्री से, तो क्या आ रहा है मेरा, टू रूट टू आ रहा है, ठीक है ना, रूट टू इसमें मौजूद है, ये देखिए ये रूट टू है इसमें और ये यहाँ पर डिनोमीटर में मौजूद है, अगर ये चीज़ रूट टू इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन टू रूट सिक्स अपॉन में रूट टू, इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, रूट टू रूट थ्री आएगा, और रूट थ्री यहाँ पर भी है और यहाँ पर डिनोमीटर में यहाँ पर भी है, अगर ये दोनों जगह मौजूद है रूट थ्री, तो यानी कि यहाँ पर ये कैस लगेगा और इसका आंसर हमेशा टू आएगा, कोई चीज़ देखनी नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखिए, आंसर टू आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको, ये थोड़ी चीज़ देखनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, टू में क्या कहता है क्वेश्चन, कि x बराबर फोर ए बी अपॉन ए प्लस बी, पूछ क्या रखा है हमसे, कि x प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू ए प्लस में x प्लस में टू बी अपॉन में एक्स माइनस टू बी। अब देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म सेम है, फिर देखिए यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म सेम है, अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो यानी कि यहाँ पर सी एन डी रूल लगा है, सी एन डी रूल लगा है, तो इसमें देखिए एक्स एक्स टू बी प्लस माइनस, यानी कि इसमें भी सी एन डी रूल लगा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस टर्म में फोर ए बी, इसको डिवाइड कीजिए आप टू ए से, क्या आएगा, टू बी आ रहा है और यहाँ पर बी मौजूद है, अगर बी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बी मौजूद है, या दोनों जगह बी मौजूद है, तो यानी कि एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, फोर ए बी अपॉन में टू बी, ठीक है, टू से ये कट गया, बी से बी कट गया, यानी कि टू ए, अब ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आता है टू। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों का आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं जब टू आंसर आएगा इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ सिंपल देखिए, मैंने आपको बता दिया है एक बार कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर इससे इसको डिवाइड कीजिए, अगर आपका बी आ रहा है इससे डिवाइड कीजिए, ये आपके सेम डिनोमीटर वाला केस बन रहा है, तो आपका आंसर टू होगा। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरा, इस तरह के कई क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, हाँ भाई यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि x बराबर दे रखा है टू रूट ट्वेंटी फोर अपॉन में रूट एट प्लस रूट थ्री, ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन है उसका। अब उसने पूछा क्या हमसे, वो देखिए, उसने हमसे पूछा है x प्लस में रूट एट अपॉन में x माइनस रूट एट प्लस में x प्लस में रूट ट्वेल्व अपॉन में x माइनस रूट ट्वेल्व, ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी है। अब इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो आप बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं पूरा पूरा, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर टू आएगा, ठीक है, ये चीज़ उसने पूछी है, इसका आंसर हमारा टू आएगा, और टू किस हिसाब से, वही मैंने बताया था आपको, ये चीज़ टू रूट ट्वेंटी फोर, इसको डिवाइड कीजिए रूट एट से, इससे रूट एट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री यहाँ पर मौजूद है, ठीक है दोस्तों, फिर टू रूट ट्वेंटी फोर को रूट ट्वेल्व से डिवाइड कीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, रूट टू, टू रूट टू टू कितना होता है, रूट एट होता है, ये चीज़ भी यहाँ पर मौजूद है, तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमने जो सोच रहे थे हम कि इसका आंसर टू आएगा, तो टू ही आएगा, इसमें आपको और कुछ देख चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह के एक दो क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि x की 3 प्लस में 3x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ उसने दे रखी है हमें, और आगे क्या दे रखा है, 189 अपॉन में 61। और फाइंड हमें क्या कर पूछा उसने, फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखिए दोस्तों, अब ये चीज़ है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में हम ऊपर और नीचे ये चीज़ दे रखी है हमें। अब इसमें ऊपर देखिए x की 3 टर्म है प्लस 3x, ये चीज़। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सी एन डी रूल लगा रहा हूँ इस पर। सी एन डी रूल लगाते देखिए क्या हो गया, x की 3 प्लस में 3x प्लस में 3x स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में क्या हो गया, x की 3 प्लस में 3x माइनस में 3x स्क्वेयर प्लस में सॉरी माइनस में 1 इक्वल्स टू 189 प्लस में 61 अपॉन में 189 माइनस में 61। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ तक, या सी एन डी रूल लगाया हमने। अब देखिए ये पूरी पूरी टर्म क्या बन रही है हमारी, ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है, मैंने आपको पिछली बार फॉर्मूला बताया था कि ये x प्लस 1 इसका होल क्यूब होगा, और नीचे वाली टर्म x माइनस 1 इसका होल क्यूब होगा। ये बराबर किसकी होगी, 9 और 1 10 0 18 24 1 25 250 बटे में 128। ये चीज़ है दोस्तों, अब इसको मैं 2 से काट दूं क्या आ गया, 125 बटे में 64। अब क्यूब है, इसका क्यूब रूट करूंगा मैं तो इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा, वो बराबर किसके हो जाएगा, 5/4 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको, ये 5/4 कहाँ से आया है। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 बराबर है 5/4 के। अगेन सी एन डी लगाओ तो अगेन सी एन डी लगा लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका दोनों में आंसर आएगा। मैं आपको सी एन डी दोबारा बताता हूँ, इसमें सी एन डी लगाता हूँ क्या हो गया, x यहाँ पर x है बराबर है प्लस प्लस माइनस 1 यानी कि सेम है। अब x अपॉन 1 तो 5 प्लस में 4 अपॉन में 5 माइनस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से समझ गए होंगे आप कि किस तरह के क्वेश्चन में सी एन डी में रूल लगाना है। एक दो क्वेश्चन और है इसके, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए m प्लस 3n अपॉन में m माइनस 3n, m प्लस में है सॉरी यहाँ पे, ठीक है यहाँ पर ये चीज़ है प्लस में, यहाँ पे दे रखी है इसने m माइनस 3n रूट अपॉन में यहाँ पे माइनस m माइनस 3n रूट, इसमें बराबर क्या दे रखा है उसको, इसके बराबर दे रखा है उसने x के। पूछ क्या रखा हमें, फाइंड क्या करना है हमें इसमें, इसमें हमें फाइंड करने के लिए पूछ रखा है उसने 2mx माइनस में पूछ रखा है उसने 3nx, ये 3n ही है सॉरी 3nx नहीं है, इतना ही है, इतना बराबर पूछ रखा है इसने। अब देखिए दोस्तों, ये टर्म और ये टर्म बराबर है, ये टर्म और ये टर्म बराबर है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो सी एन डी लगा सकते हैं हम इसमें। देखिए इसको मैं सी एन डी लगाता हूँ, सी एन डी लगाता हूँ तो ये टर्म अपॉन में ये टर्म एम प्लस में 3n रूट में अपॉन में क्या हो गया m माइनस 3n रूट में बराबर x, इसके अपॉन में 1 है तो एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया x माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया आपको कि ये टर्म कैसे गिरी है, मैंने सी एन डी रूल लगाया यहाँ पर सीधा डायरेक्ट, और कुछ नहीं किया अब तक तो। अब देखिए यहाँ पर रूट है दोनों जगह, तो स्क्वेयर कर देंगे इस साइड दोनों साइड, क्या हो गया m प्लस 3n अपॉन में m माइनस 3n इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस में 2x अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, अब मैं इसको एक टर्म ले रहा हूँ इसको एक टर्म ले रहा हूँ, अब ये दूसरी टर्म होगी 2x और यहाँ पर भी 2x, यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे m यहाँ पे m, यहाँ पे प्लस 3n यहाँ पे माइनस 3n, अगेन सी एन डी लगा दूँ, यानी कि यहाँ पर अगर सी एन डी लगाया मैंने तो क्या आ रहा है, देखिए
एम अपॉन थ्री एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वन अपॉन में क्या आ रहा है मेरा 2x। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। अब देखिए आर क्रॉस मल्टीप्लाई एम इंटू में 2x इक्वल टू 3nx² प्लस में 3n। ठीक है, उसने पूछा क्या है 2mx माइनस में 3n, तो ये देखिए इस साइड चलिए 2mx माइनस में 3n इक्वल टू क्या हो गया मेरा nx², ये चीज़ हमने उसने पूछी है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगेन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, ये टर्म और ये टर्म बराबर है, ये टर्म और ये टर्म बराबर है, यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर माइनस का निशान है। फाइंड क्या करना हमें 2mx माइनस में 3n, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये चीज़ बराबर बता रखी है मैंने आपको, CND रूल लगाना है इसमें। CND रूल लगाते क्या होगा, m प्लस में 3n अपॉन में नीचे क्या होगा m माइनस 3n। अब देखिए यहाँ पर बराबर क्या हो गया, x दे रखा है अपॉन में 1 है, इसके 1 ले सकते हैं हम ऊपर में। अब 1 इसके एक बार प्लस में कर देंगे, एक बार माइनस में कर देंगे नीचे डिनोमीटर में। अब दोनों का स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद में m प्लस 3n हो जाएगा, यहाँ पर m माइनस 3n हो जाएगा। इसका स्क्वेयर खोल देंगे, x² प्लस में 1 प्लस में 2x, x² प्लस 1 माइनस 2x। फिर देखिए इसको मैं एक टर्म ले लूँगा, इसको इसको ये एक टर्म होगी प्लस 2x माइनस 2x, यहाँ पर ये भी CND लगेगा, यहाँ पर क्या आ गया इससे m अपॉन 3n इससे, और इससे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर 2x डिनोमीटर में। यहाँ पर क्या आ गया 2mx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं, और यहाँ पर क्या आ गया 3nx² प्लस में 3n। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा ये चीज़ पूछी है, तो मैं ये चीज़ बनानी पड़ेगी, यानी कि 3n को मैं इस साइड ले जाऊँ, 3n को अपोजिट साइड ले जाता हूँ तो क्या हो गया 2mx माइनस में 3n इक्वल टू 3nx², तो यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा उसने, 2x माइनस में y अपॉन में 2y प्लस में x। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है किसके बराबर दे रखी है 1/2 की। वो पूछ क्या आराम से उसने फाइंड करना है हमें 3x माइनस y अपॉन में 3y माइनस x, ये प्लस एक्स कर लीजिए, सी चलो मैं 3x ही कर देता हूँ, यहाँ पर 3x प्लस में y इक्वल्स टू फाइंड कीजिए ये चीज़। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, अगर आप इसमें भी CND लगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये टर्म और ये टर्म बराबर नहीं है, ये टर्म और ये टर्म बराबर नहीं है, ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर CND तो कभी नहीं लग सकता। तो अब इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4x माइनस में 2y अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ले लीजिए बराबर ले लीजिए 2y प्लस में x। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता चलेगी ना कहाँ से आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी, इसमें CND नहीं लगा सकते आप, CND नहीं लगेगा इसमें, CND लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 2y है भाई, यहाँ 2y है, ये इस साइड लीजिए, ये इस साइड लीजिए, यानी कि 4x माइनस x इक्व टू 2y प्लस 2y, यानी कि 4y इक्व टू 3x, एक्स अपॉन वाई इक्व टू 4/3। ठीक है, अब देखिए या तो आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए या फिर यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं y बराबर निकाल दूँगा, y बराबर 3x अपॉन में 4, ये y की वैल्यू आ गई मेरी, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा y की जगह। ठीक है, जो y की वैल्यू मैंने यहाँ से प्राप्त करी है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा, पुट करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम। थ्री एक्स माइनस में 3x/4 अपॉन में 3x प्लस में 3x/4 इक्वल टू क्या आ रहा है,
इसको मैं वन वन, अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा, क्या हो जाएगा, 12x माइनस में 3x अपॉन में क्या है 4, यहाँ पर 12x प्लस में 3x अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, अब यहाँ से ये टर्म इसके अपॉन में ये टर्म, यानी कि 12x माइनस 3x अपॉन में 12x प्लस में 3x बराबर क्या आ गया, इसमें गया 9x अपॉन में 15x, एक्स एक्स कट गया, बराबर क्या आ गया 3/5, यानी कि जो ये टर्म दे रखी थी इसमें, पूछा हमसे ये चीज़, इसकी वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, बहुत इजी स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आपका ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल ख़त्म होता है, इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इजीली आप सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरा फेसबुक का पेज है ज्ञान क्लब के नाम से लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपको मैथ के क्वेश्चन बताता हूँ, मैथ्स के डाउट्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, आप इजीली कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आपने मेरा चैनल ज्ञान क्लब के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।